for A and that channel. Today we are going to post a new video of my sister Inaya. I hope you will like it and share it with all. Didi. Today I am going to tell Hindi poem Bandar Ka Dhanda. Kavi Narendra Goyal. Bandar Ka Dhanda. हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला छिट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को पीना खांसी जब छू मंदर हुए फीस तभी तुम देना बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार बंदर बोला रस गिरोय का 3 बार तुम पीना कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना तभी एक लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ बंदर बोला घी कुवार तू दोनों समय लगाओ चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता अब हम इस कविता का अर्थ जानेंगे हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला छट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला आला का मतलब है डॉक्टर का स्टेटोस्कोप जंगल में रहने वाले बंदर को एक दिन क्या मिला उसे कहीं से एक डॉक्टर का टूटा फूटा स्टेटोस्कोप मिल गया तो बंदर ने तुरंत क्या किया उसने एक कुर्सी और एक मेज लाकर पेड़ के नीचे रखा और अपना दवाखाना खोल दिया भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुखाम बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था थाम का मतलब है पकड़कर सबसे पहले उस दवा खाने में कौन आया एक भालू आया और उसने क्या बोला कि उससे कि भालू ऐसा बोला कि मुझे खांसी और जुखाम हो गया है तो बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते दिए और पीपल की जड़ भी थी पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना खांसी जब छू मंदर हुए फीस तभी तुम देना उसके बाद बंदर ने ऐसा कहा कि ये तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ इन्हें पानी में उबालना और सुबह शाम पीना इससे तुम्हारा खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा और जब तुम्हारा खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब तुम मुझे आकर फीस देना छूमंतर का होना मतलब है गायब होना बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार फिर उसके बाद बिल्ली आई और वह क्या बोली कि उसे 104 बुखार हो गया है बिल्ली बोली मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना बंदर बोला तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पी लो तुम रात तक इतनी ठीक हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही तुम डांस करोगी तभी एक लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ तभी एक लोमड़ी वहां आ गई और उसने कहा कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे कि मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं बंदर बोला घी कुवार तू दोनों समय लगाओ चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ घी कुवार का मतलब भी है एक प्रकार की जड़ी बूटी उसके बाद बंदर ने ऐसा कहा कि तुम सुबह शाम अपने चेहरे पर ये घी कुवार लगाओ तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमक उठेगा और तब तुम मुझे आकर फीस देना कुंदन का मतलब है सोना जब तुम ये बूटी लगाओगी तब तुम्हारा चेहरा सोने जैसा चमक उठेगा और तब तुम मुझे आकर फीस देना चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता
अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। इस प्रकार जंगल में बंदर का दवाखाना बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। वह रोज जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और वह सबको देता और वह खूब मौज मनाता। ओके बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड कीप स्माइलिंग।